अनोखे महाराज्य आकाश धारा में। असल में आकाश धारा आकाश के महाराज्यों में सबसे शक्तिशाली और शानदार था। तुम्हें हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है यूनुस। जा सकते हो। जो आज्ञा महारानी आर्वी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो भी हो जल्दी दिखाओ। हमारे राजवंश में जितने भी राजा महाराजा थे सब एक से एक ताकतवर थे, पर ताकत के साथ साथ वो सब कृपालु और ईमानदार भी थे। मेरी यही इच्छा है कि मेरे बाद तुम भी। रानी अरवी ने बहुत कोशिश की राजकुमार को समझा बुझाकर सुधारने की, पर उनकी बातों का राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। राज्य के भविष्य को लेकर रानी और चिंतित होने लगी। बच्चों, वो रहा यमुना नक्षत्र, दुनिया का सबसे चमकीला तारा। स्काई ड्रैगन, आखिर हमित ग्रह है कहाँ? यही कहीं होना चाहिए भीम। इतना वक्त हो गया है ना यहाँ आए, ठीक से याद नहीं आ रहा है। आकाश धारा
पर पड़ा एक भयानक काला साया। अंतरिक्ष के तानाशाह लाल डाक का डर को भी डरा जाए ऐसा है लाल डाक का कहर। क्या इसका मतलब महारानी अरवी अब नहीं रही स्काई ड्रैगन? का यही हाल है। रानी अरवी के पुराने सलाहकार योलिस अब राज की बागडोर संभालते हैं। योलिस, लाटाक ने सिर्फ उन्हें ही कैसे छोड़ दिया? सैनिकों, फौरन मेरे लिए दूसरे रथ का इंतजाम करो। स्काई ड्रैगन, हमारे शहर की रक्षा करने के लिए शुक्रिया। आपने देखा होगा वजीर योलिस, इसमें भीम और उसके दोस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, बहुत ही बहादुर हो तुम भीम, बिना सोचे दूसरों की जान बचाई और कलूप से भिड़ गए। ये भी नहीं सोचा कि इसमें तुम्हारा फायदा नहीं नुकसान हो सकता है। खुद के फायदे से ज्यादा कीमती होती है किसी की जान, ऐसा हमारा मानना है वजीर योलिस। मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का बहुत आभारी हूँ। आज रात तुम सब राजमहल में रहोगे खास मेहमान बनकर। मैं खास दावत का भी इंतजाम करूँगा। राजमहल में? वजीर योलिस, आप तो बड़े बहादुर रहे होंगे। राजघराने का दूर का रिश्तेदार हूँ, थोड़ी बहुत तलवारबाजी मुझे भी आती है, मगर क्यों? हमने सुना कि आकाश धारा पर ऐसा खतरनाक हमला हुआ था कि उसकी रानी भी बच न पाई, पर आप बच गए। हाँ, वो भी लाटाक जैसे खतरनाक और ताकतवर योद्धा से। कुमार पुलक लौटा दिया।